जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एमटीएस एंड हवलदार ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सारे जो सवाल है वो आ रहे थे कि सर हम अपनी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन सेव नहीं कर पा रहे और हम अपना जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं कर पा रहे, तो ऐसा क्यों हो रहा है, आप कैसे बिना कोई गलती किए इस फॉर्म को भर पाएंगे, ये जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर रेशन से प्रिंट तक की दी जाएगी, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर गाइज मैं आपको बता दूं कि अभी जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये बड़ा फॉर्म है, काफ़ी मात्रा में कैंडिडेट फॉर्म को भर रहे हैं और वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, तो ऐसे में वेबसाइट का सर्वर डाउन है जिस वजह से आपके सामने ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप अपनी डिटेल को पहली बार में सेव नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस फॉर्म को थोड़ा रात में ट्राई कीजिएगा 11 से 12 के आसपास, या फिर अगर आप और लेट नाइट ट्राई करेंगे तो फिर आपके सामने ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि उस वक्त यूजर की संख्या काफ़ी कम रहती है। अब कैसे आपको फॉर्म को भरना है और कहाँ क्या पर कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है वो आप जान लीजिए। आप जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, आप यहाँ पर पूरी जानकारी वेरीफाई करते हुए आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर आने के बाद में मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना हुआ है तो आप डायरेक्टली आपका रजिस्टर नंबर और पासवर्ड यहां पर डाल करके लॉगिन कर लेंगे, बट अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप उसको कैसे रिसेट कर पाएंगे, तो आपको फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर आपकी परमानेंट स्टेट जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दी थी वो सिलेक्ट करनी है, और फिर आपको आपकी ईमेल आईडी या फिर यहां पर नंबर एंटर करना है, एंड देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपके नंबर पर और ईमेल पर दोनों पर ओटीपी जाएगा, कोई भी एक ओटीपी आप यहां पर जैसे ही डाल करके सबमिट करेंगे तो फिर आपको आपका जो रजिस्टर नंबर है वो भी देखने को मिलेगा और आपकी ईमेल आईडी भी देखने को मिल जाएगी, एंड आप अपना पासवर्ड यहां पर आगे क्रिएट कर पाएंगे। एंड जैसे ही आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर ले तो आप यहां पर लॉगिन कर लीजिएगा। बट अभी बात करते हैं उन कैंडिडेट के बारे में जो कि फर्स्ट टाइम यूजर है, जिन्होंने अभी तक इस वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं किया, तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको न्यू यूजर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर सबसे पहले यह पूछा कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप यस कर रहे हैं तो आपको आधार नंबर देना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अगर आपने पहले वाले ऑप्शन डू यू हैव आधार में नो किया है तो फिर आपको यहां पर कोई एक अन्य आईडी की जानकारी देनी है, कौन सी आईडी की जानकारी देंगे वो आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर 2.A पर आइए और आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। इसके बाद इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आपने कभी नाम चेंज किया है, अगर हां तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपका जो नाम चेंज होने के बाद में हुआ है वो आपको 2D वाले सेक्शन में लिखना है। फिर आता है फादर नेम, यानी कि आपको आपके पिताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहां पर वेरीफाई करना है। फिर दोस्तों आता है मदर्स का नेम, यानी कि आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसको आपको यहां पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो, यहां पर आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले यहां पर आपको आपका ईयर सिलेक्ट करना है, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आपको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेनी है। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की जानकारी, तो आपने 10th किस बोर्ड के द्वारा की है आपको उस बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको जो आपका बोर्ड है वो दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर 10th का रोल नंबर देना है, ये बताना है कि कौन से ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है, दोबारा से सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से ईयर के अंदर पास की है, जेंडर आपका क्या वो आपको सिलेक्ट करना है, इसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको आपका नंबर देना है जो कि वैलिड होना चाहिए, इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी यहां पर देनी है, ईमेल आईडी को दोबारा से भर करके वेरीफाई करना है। आपकी परमानेंट स्टेट कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है, और ये सब जानकारी चेक करने के बाद नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल गई है। अब आपको क्या करना है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहां से कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद यहां पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहां पर अब लॉगिन करना है, तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहां पर एंटर करना है, और जो पासवर्ड आपको अभी मेल मैसेज के माध्यम से सेंड किया गया है वो यहां पर डालना है, और ये कैप्चा कोड फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर क्या करना है, जो ओल्ड पासवर्ड मेल मैसेज के माध्यम से मिला है और यहां पर डालना है,
और फिर आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपका कुछ इस तरह का होना चाहिए जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और एक स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट होना चाहिए। जैसे कि मैंने पासवर्ड बनाया जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह का आपको पासवर्ड बनाना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर नंबर डालना है और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो यहाँ पर डालना है और डालने के बाद एक कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल आ जाएगी, आपको सभी को चेक करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एडिशनल एंड कॉन्टेक्ट डिटेल आती है जिसमें कि आपको सबसे पहले आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो सेलेक्ट कीजिए, उसको दोबारा से सेलेक्ट करके वेरीफाई कर दीजिए। नेशनलिटी में आपको ए सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया ये सेलेक्ट करना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान हो सके, तो जो भी मार्क का निशान है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क का निशान नहीं है जो कि परमानेंट हो तो आपको नो मार्क लिख देना है। क्या आप विकलांग है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो आपको 14B के अंदर आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करनी होगी। नीचे आता है आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका स्थायी पता है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अपनी स्टेट यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है, उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आपका पिन कोड डालना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है, अगर हाँ तो यस कर दीजिए। और यस करने के बाद आपको नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिक्लेरेशन आ चुका है। अब आपको यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अगर इसका ड्राफ्ट प्रिंट लेना है तो आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट ले सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर और ईमेल के ऊपर ओटीपी गया है, आपको ये एक ओटीपी यहाँ पर भर दीजिए, एक कैप्चा कोड फिल कर दीजिए और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एसएससी एमटीएस बेस्ट बुक के बारे में जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये बुक है एसके बुक्स की और एसके बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो आप इस बुक के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो कौन सी बुक बेहतर रहेगी, तो आपको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस बुक के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन करें। इसमें आपको आपकी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेगी एंड साथ ही यहां पर इनका जो अभ्यास पेपर सेट है यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का, उसका भी जो बुक है वो आता है। आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। अब आपके मन में सवाल है कि इस बुक के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो इस बुक के अंदर आपको न्यू सिलेबस और पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। अभ्यास के लिए आपको मॉडल पेपर भी इस बुक के अंदर दिए गए हैं। समस्त विषयों का समावेश आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जैसे कि जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, ऑल चैप्टर थ्योरी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये आपके लिए वन ऑफ बेस्ट बुक है आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, बाय करने का बाय कर लीजिए। तो गाइस जैसे ही आपका ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाएगा आप यहां पर इस इंटरफेस पर आ जाएंगे। आपको आपकी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेना है और फिर आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पोस्ट देखने को मिल जाएगी। अभी आपको यहां पर अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में जो जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन के समय भरी थी वो जानकारी यहां पर दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है, जैसे कि 15 पॉइंट है प्रेफरेंसेस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो आप एग्जाम के लिए किस लोकेशन को कौन सी प्रेफरेंस देना चाहते हैं, जैसे कि पहले पर मैंने झांसी को सिलेक्ट किया, इसके बाद में आप सेकंड कौन सी सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है और थर्ड आपको किसको देनी है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन यहां पर आता है मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो आप कौन सी लैंग्वेज में देना पसंद करेंगे वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको इसका दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई भी कर लेना है। 17.1 में पूछा है कि क्या आप एक सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आप यहां पर आएंगे और आपको 19.1 में पूछा है कि क्या आप आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं जो कि मिलती है एससी एसटी और ओबीसी को, अगर आप चाहते हैं और आपकी कैटेगरी इनमें से कोई है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। और आप यहां पर तभी यस करें जब आप ओवर एज हो चुके हैं और आपको आयु के अंदर छूट चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो आप नो कर दीजिएगा। फिर यहां पर आती है आपकी प्रेफरेंसेस का सेक्शन कि आपको कौन सी स्टेट को कितनी प्रेफरेंस देनी है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं आपको कोड वाइज बताया कि कौन सी स्टेट के अंदर कौन सी पोस्ट है और उसका कोड क्या है, जैसे कि चंडीगढ़ का जो कोड है वो 11 है, तो अगर आपको चंडीगढ़ को पहली प्रेफरेंस देनी है तो आप यहां पर 11 एंटर कर देंगे। इसके बाद में अगर आपको हरियाणा को सेकंड प्रेफरेंस देनी है तो और एमटीएस को देनी है तो आप यहां पर 13 कोड एंटर करेंगे। इसी प्रकार से अगर आप यहां पर
जो दिल्ली है 20 कोड इसका है और इसमें एमटीएस की पोस्ट है, तो मैं यहाँ पर 20 कोड लिखता हूँ। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये देंगे एंड यहाँ पर आपको बोला है कि अगर आप एमटीएस की पोस्ट को ऑल इंडिया में प्रेफरेंस देना चाहते तो आप यहाँ पर 72 लिख देंगे। ये लिखने के बाद में आपकी जो प्रेफरेंस है वो ऑल इंडिया में काउंट हो जाएगी। एंड अगर आप बाकी किसी अन्य को प्रेफरेंस देना नहीं चाहते तो आप यहाँ पर जो एक्स है वो एंटर कर देंगे। ये आप एंटर करेंगे तो आपको बाकी चीज़ें भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहे तो एक एक करके बाकी जो प्रेफरेंसेस है वो भी इसी प्रकार से दे सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया है। फिर आता है 21 पॉइंट, हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है जो कि कंप्लीट कर ली है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। ये सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो आपकी डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो बेसिकली 10वीं है, जिसके माध्यम से आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप 10th सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेटस क्या है, अगर आपने पास कर लिया तो आप यहाँ पर पास सेलेक्ट करें और इसके बाद में जो आपका रोल नंबर है वो यहाँ पर दिया है, परसेंटेज आपकी जो भी है 10th की वो आप एंटर कर दीजिए। नीचे 23 पॉइंट में कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन SSC को देना चाहते ताकि वो आपको आगे इन फ्यूचर कोई वैकेंसी है उसके बारे में अपडेट कर सके, तो आप यहाँ पर यस नो में आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग यस नो कर सकते हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ गाइज, यहाँ पर आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो आपका 18 अक्टूबर 2022 के बाद का ही होना चाहिए और फोटो का साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। फोटो के ऊपर डेट लिखनी कंपलसरी नहीं है, अगर आप लिखना चाहे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखना चाहिए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, जहाँ पर भी आपकी फोटो है वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक रैंडम फोटो आपको सेलेक्ट करके दिखाने वाला हूँ, तो चलिए हम इस इमेज को सेलेक्ट कर लेते और यहाँ पर हम ओपन करते। ओपन करने के बाद आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। इसी प्रकार से आप यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहां पर इस फाइल को सेलेक्ट करता हूं और यहां से ओपन कर लेता हूं। मैं आपको फिर से बता दूं कि आपके फोटो के ऊपर डेट लिखनी कंपलसरी नहीं है, अगर आपने नहीं भी लिखी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां पर फिर आपको 27 पॉइंट में यस कर देना है कि हाँ मेरा फोटो 28 अक्टूबर 2022 के बाद का है। फिर आप यहां पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आपने जो भी जानकारी भरी है इन सभी को आप यहां पर वेरीफाई करते हुए आएंगे और आपको यहां पर अगर कोई जानकारी गलत लग रही है तो आप एडिट मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लीजिएगा, नहीं तो आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके कर देना है। ओके करने के बाद में अगर आपकी कैटेगरी SC ST है तो कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी और आप डायरेक्टली यहां पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। बट अगर आपकी कास्ट कैटेगरी जनरल OBC है तो आपको यहां पर प्रिंट के सेक्शन पर जाना है और आप अपनी एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा करिएगा, जो कि आपके लिए ज्यादा सेफ रहेगी। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कि आपकी फीस अकाउंट से कट हो गई और वेबसाइट के ऊपर अपडेट ना हुई तो आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर आपको या तो आपकी फीस रिफंड की जाएगी या फिर वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो जाएगी। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग ये SSC MTS का फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपका कोई डाउट रह गया है इस जानकारी को लेकर के वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।